हेलो, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? क्या आप सब लोग हमें देख सकते हैं दोस्तों? एक बार हम देख लेते हैं कि हम लोग लाइव आ चुके हैं। जी हाँ, हम लोग लाइव आ चुके हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? प्रांजल जी कह रहे हेलो सर। हेलो प्रांजल जी, आपको मुझसे बात करनी है, आप मेरा नंबर ले लीजिएगा। आपको पता है कहाँ से नंबर लेना है, वहाँ से नंबर लेके आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे नंबर नहीं दे सकता हूँ। और बाकी फटाफट सब लोग आ जाओ। आज का जो हमारा क्विज है, वो क्विज होना है हमारा मेंटी क्विज ऑन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के ऊपर आज क्विज होने वाला है। ठीक है, ओके प्रांजल जी, ओके डन। अंकिता जी कह रही हैं हेलो। हेलो अंकिता जी, आप कैसी हैं? और बताइए फटाफट सब लोग मेंटी पे आओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो ये लिंक, फिर हम लोग आज का क्विज स्टार्ट करते हैं, जो कि है स्पोर्ट्स के ऊपर। स्पोर्ट्स क्विज ऑन मेंटी। प्रांजल जी कह रहे फ्री फायर। जी फ्री फायर के ऊपर लाएंगे, अलग से एक सेगमेंट लाएंगे। प्रांजल, हमने आपको बताया था फ्री फायर के ऊपर क्या रीजन है, कि ज्यादातर लोग जो है फ्री फायर, हम ऐसा टॉपिक उठाने की कोशिश करते हैं जो कि कॉमन हो। शुभ साहू कह रहे हैं हाय। हेलो शुभ साहू, कैसे हो आप? मेरे ख्याल से अयोध्या वाले शुभ साहू हैं जो कल हमारे साथ खेल रहे थे। तो कैसे हैं शुभ जी आप? आज नहीं है क्या सर? नहीं, आज फ्री फायर के ऊपर नहीं, आज स्पोर्ट्स के ऊपर है। फ्री फायर को हम बकायदा प्लान करेंगे। इस बार जब हम प्लान करेंगे, तो उसमें हम फ्री फायर, पबजी, इन सब के ऊपर हम क्विज लेकर आएंगे, एक साथ लाएंगे और उसको फुल प्लानिंग के साथ करेंगे। आज स्पोर्ट्स वाले क्विज में नहीं है। गौरव जी कह रहे हैं हेलो। हेलो, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप सब लोग? फटाफट आ जाओ। मेंटी का जो लिंक है वो हमने कमेंट सेक्शन में दे दिया है, उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप लोग मेंटी क्विज पे आ जाएंगे। सीधे हमारे कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर हमने जो लिंक दे रखा है, उस लिंक पे क्लिक करते ही आप लोग मेंटी के ऊपर आ जाएंगे। मेंटी पे आते ही आप लोग को अपना नाम डालना है और हमारा मेंटी क्विज स्टार्ट हो जाएगा। कह रहे सबका कमेंट शो नहीं कर रहा है, सबका कमेंट शो नहीं कर रहा है, ऐसा हो रहा है क्या? अगर ऐसा हो रहा है तो एक बार चेक करना पड़ेगा। वैसे तो सबका कमेंट आ रहा है। फटाफट अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि हम लोग आज का अपना मेंटी क्विज ऑन स्पोर्ट्स स्टार्ट करें। अच्छा, आज क्या तारीख है दोस्तों? आज पता है आप लोग को क्या तारीख है? आज है 16 दिसंबर। और 16 दिसंबर क्या होता है? 16 दिसंबर होता है विजय दिवस। जी, विजय दिवस होता है 16 दिसंबर के दिन। और आज के ही दिन पाकिस्तान की आर्मी ने बांग्लादेश के टाइम पे, युद्ध के टाइम पे, हमें मतलब कि उन्होंने सरेंडर किया था। तो वो आज का दिन है, बहुत बहुत ही बड़ा दिन है, विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है इसको। तो कितने लोगों को ये चीज़ पता थी? जिन लोगों को नहीं पता थी वो हमें बताइए इसके बारे में फटाक से दोस्तों, है कि नहीं? तो आइए सब लोग फटाफट करिए। 16 दिसंबर, जी हाँ प्रांजल कह रहे हैं एवरीवन, हेलो एवरीवन, सबको वो हेलो कह रहे हैं प्रांजल जी। तो 16 दिवस के, आप लोग को 16 दिसंबर के बारे में कैसे पता चला था? मतलब कि क्या आज सोशल मीडिया के थ्रू पता चला है, कि आप लोग को इसके बारे में अपडेटेड थे पहले से? सर वो ले लीजिए, मैं बात करूंगा। हेलो दोस्तों बताइए, 16 दिसंबर के बारे में आप लोग को पहले से पता था कि सोशल मीडिया से ही पता चला? बोलिए दोस्तों। तो हम लोग स्टार्ट करें अपना क्विज भी साथ के साथ। सर पता था, तारीख नहीं पता थी। अच्छा, वो कह रहे वो थे, वो सर कहाँ है? चैंपियन अब्दुल्ला, वो सर भी आ रहे हैं, बस थोड़ी देर में आने वाले हैं, वो कुछ काम कर रहे हैं। प्रो एकर कह रहे हैं रुको रुको, आज फिर प्रो एकर कल जीत गए थे, और कल अब्दुल्ला जी को आपने बहुत कड़ी टक्कर दी थी, है कि नहीं? फटाफट दोस्तों आप लोग अपने उसके साथ शेयर करें कि नहीं करें? अच्छा आप लोग को मैं बताऊं, हम लोग का जो पार्टनर चैनल है, जो केल्विन इंस्टीट्यूट है, कल उस पर हम लोग लाइव आए थे रात को, काफी रात को, जेई का अपडेट आया था एनटीए का, उसको लेके लाइव आए थे। आज शाम को 5 बजे फिर उसके ऊपर लाइव आएंगे, उसमें सीबीएसई में क्या चेंजेस आए हैं और जेई में कुछ प्लान लेकर आ रहे हैं हम लोग, जिसमें आपको फ्री में बहुत कुछ मिलने वाला है केल्विन की तरफ से।
तो उस चैनल को जरूर 5 बजे लाइव देखिएगा, ठीक है। बाकी फटाफट सब लोग मेंटी ज्वाइन करो दोस्तों, मेंटी। अच्छा ये देखिए जो मैं कह रहा था, 16 दिवस, 16 दिसंबर सन 1971 के दिन विजय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है आज। उस दिन पाकिस्तान की जो आर्मी थी उसने उस टाइम के ईस्ट पाकिस्तान में शिकस्त पाई थी, तब बांग्लादेश का गठन हुआ था, और पाकिस्तान में 90,000 के अप्रोक्स सैनिक थे, उन्होंने आपका आत्मसमर्पण किया था, सरेंडर किया था इंडियन आर्मी को। तो आज ही का दिन था वो, उसकी इमेज भी बड़ी फेमस है, सब लोग ने देखी होगी वो साइन करते हुए। भरत एपी कह रहे हेलो हेलो। अच्छा वीर प्रताप कह रहे हेलो हेलो, वीर प्रताप जी कैसे हैं आप? ओके। अच्छा वो कह रहे कितने क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है हमारे हर क्विज में, जो 4 बजे आता है उस क्विज में 15 क्वेश्चन होते हैं। तो हेलो सर दोस्तों, बताइए, नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? आपके लिए चैंपियन अब्दुल्ला पूछ भी रहे थे कि सर कहाँ हैं। अरे चैंपियन अब्दुल्ला जी, मैं आ गया हूँ, आपका इंतजार खत्म हुआ सर और अभी आप हम बात कर रहे थे, बता रहे थे वीर दिवस, विजय दिवस के बारे विजय में, दिवस के आज बारे के में। दिन अच्छा, 16 दिसंबर बांग्लादेश का जब गठन हुआ था पाकिस्तान से और जीते थे, पाकिस्तान से जीते थे, उस समय ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान सबको पता है पार्टीशन के टाइम पे दो बने थे, तब दो बने थे। आपकी मुक्ति मोर्चा एक मुक्ति वाहिनी होती हुआ करती थी वहां पे, लिबरेशन आर्मी थी जी वो जो पाकिस्तान बांग्लादेश की थी उस समय, तो जी उन्होंने काफी ज्यादा लड़ाई वड़ाई की थी, उसमें इंदिरा गांधी जी ने बड़ी मदद की थी उस टाइम पे, और बांग्लादेश का गठन हुआ था बहुत बड़ी चीज हुई थी वो एक, और 90,000 के नब्बे अप्रोक्स सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था, आज तक का सबसे बड़ा सरेंडर है किसी भी, दुनिया उससे दुनिया का सबसे बड़ा सैनिक। दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर, इतना बड़ा दिन था। उसके बाद इंडियन आर्मी ने उनको ऐसे ही छोड़ दिया, वरना जानते हैं वॉर प्रिजनर्स के साथ क्या क्या होता है। जी अच्छा वो कह रहे सर पहचाना मैं आपसे गुस्सा हूं, मुझे पता आप गुस्सा क्यों है। प्रो हैकर वाइटी, गुस्सा तो हम भी आपसे। अच्छा भूमिका जी कह रही कि उनका नाम खुश एंड कुणाल है। अच्छा दोस्तों फटाफट मेंटी आओ, मेंटी का हमने आप लोग को कोड और लिंक दे रखा है, कोड जो है वो हमारे कमेंट सेक्शन पे, और जो लिंक है हमारा, लिंक हमारा कमेंट सेक्शन पे, और कोड जो है हमारा मेंटी का वो है 1192051। तो फटाफट से सब लोग, अब जो लोग अभी तक नहीं आए हैं वो लोग आए, मेंटी ज्वाइन करें, जैसे ही मेंटी ज्वाइन करेंगे हम लोग स्पोर्ट्स के ऊपर अपना पहला क्विज क्वेश्चन लेकर आ जाएंगे। बिल्कुल वेट करने को कह रहे हैं अब्दुल्ला जी, अब्दुल्ला जी फटाफट वेट खत्म करिए और आइए। तो बताओ दोस्तों हम लोग स्टार्ट करें मेंटी का हमारा क्विज। सर पहचाना मैं आपसे गुस्सा हूं, प्रो हैकर साहब सर गुस्सा, इनको हैकिंग के ऊपर सवाल नहीं आ रहे हैं, इनका अच्छा। ये कहना है अरे लाएंगे, लेकिन प्रो हैकर जी हम कह रहे हैं हम पक्का लाएंगे। तो चलो दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला। ठहरो, आ अच्छा सर जाने दीजिए, बताओ, बस आ जाने दीजिए। जनता आ रही है सर वैसे हमारी, हमारे वो दोस्त कह रहे हमारे द्वारा गुस्सा है, बहुत सारी जनता अरे हमसे गुस्सा हो मतलब प्रो रखी हैकर है। वाइटी, बता एक बार बताइए तो सही, गुस्से आपके गुस्से के नाराजगी का कारण क्या है, जल्दी से हमें बता दीजिए। चैंपियन अब्दुल्ला कह रहे वेट करो, अच्छा वेट करने को कह रहे हैं, फटाफट 30 सेकंड तीस के सेकंड हम प्लीज। बिल्कुल हम आपका वेट कर रहे हैं चैंपियन अब्दुल्ला, आप तो विनर रहते हैं हमारे, हाँ आपके लेकिन बिना कैसे शुरू अभी दो करेंगे। तीन बार से लास्ट हमारे जो प्रो हैकर है ये जीत रहे वो हैं, भी बड़ी जीत कड़ी रहे हैं टक्कर दे रहे हैं, बिल्कुल। ये तो है इनके साथ, प्रो हैकर और चैंपियन अब्दुल्ला लगातार खेल अच्छा रहे वो हैं। कह रहे हैं नहीं सर, आप टेलीग्राम में ग्रुप नहीं बना। अच्छा टेलीग्राम में टेलीग्राम में ग्रुप, ग्रुप है हमारा, टेलीग्राम हम में कोई ग्रुप आपको नहीं लिंक शेयर कर देंगे, है जी। हम जरूर से कोशिश करेंगे हमारा जो अगला क्विज होगा उसमें हम टेलीग्राम का ग्रुप शेयर करेंगे, और टेलीग्राम में हमारा ग्रुप है ऑलरेडी बना हुआ केल्विन के नाम से, बिल्कुल हम देते हैं। ओके ओके तो चलो देखा जाए सर, बताइए अब स्टार्ट किया जाए क्या, आ गया है स्टार्ट करने की, चलिए हम लोग लोग को आगे जल्दी से बढ़ें जल्दी से बता दीजिए क्या शुरू किया फटाफट जाए। किया जाए। सर वो कह रहे हैं वीर प्रताप आ गया मैं टक्कर देने वाला, अरे वाह, और चैंपियन अब्दुल्ला कह रहे हैं रेडी, और चलिए पहला प्रो तो है ही। चलो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। सवाल। ऑफ विच कंट्री इज बुल फाइटिंग द नेशनल गेम इन कल्चरल एस्पेक्ट, कल्चरल एस्पेक्ट के हिसाब से बुल फाइटिंग किस कंट्री का नेशनल नेशनल गेम गेम है, है इज इट स्पेन पुर्तगाल हंगरी या पोलैंड, पोलैंड, चारों यूरोपियन कंट्रियां हैं पड़ोसी एक दूसरे की, तो बिल्कुल। कौन सी कंट्री में कल्चरल एस्पेक्ट के हिसाब से। अच्छा सबने वोट भी कर दिया, वेरी गुड, अरे वाह, बहुत और बढ़िया यार दोस्त, एक मेजोरिटी विन तरफ स्पेन। जी बिल्कुल, एक तरफ स्पेन जो है वहां पे जो बुल फाइटिंग होती है बिल्कुल वो उनका कल्चरल एस्पेक्ट है, वो बैन मतलब बिल्कुल। कि एक तरह से लीगलाइज नहीं है लेकिन स्पेन में खेला जाता है और स्पेन में कंट्रीज खेला में जाता लीगल है नहीं है। हाँ। और मैं इसके साथ एक बात और बता जी दूं, सर जो स्पेन का जो नेशनल गेम है जी ये कल्चरल एस्पेक्ट में उनका नेशनल गेम है, लेकिन जी एक्चुअली जो उनका नेशनल गेम है वो फुटबॉल है हाँ नेशनल जी। गेम, उनका जो नेशनल गेम है वो फुटबॉल है,
लेकिन कल्चरल एस्पेक्ट में वहां के जो लोग हैं वो सपोर्ट करते हैं बुल फाइटिंग को। जी जैसे हमारे देश में नेचुरल स्पोर्ट्स हॉकी है, लेकिन जो कल्चरली सपोर्ट रिलीजनली सपोर्ट करते हैं वो है क्रिकेट, हाँ तो इसी ठीक तरह है, वहां पे है। चलिए सर, मुझे जो 4 बजे मेंटी होना है उसके लिंक नहीं मिलती, 4 बजे मेंटी होना, लिंक नहीं मिलती। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, सिंपल चैनल को सब्सक्राइब करो, आप उसके बेल आइकन पर क्लिक करो, डेली 4 बजे हमारा क्विज होता है उस पर आप लोग को मिलेगा। हमारे दो चैनल है, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट वाला हम लोग इस चैनल से आते हैं, और जीके वाला क्विज जो है वो हमारे कैल्विन इंस्टीट्यूट से आते हैं हम ओके। लोग। वीर प्रताप कह रहे हैं स्पेन बच्चे को भी पता होगा, चलिए बहुत स्पेन अच्छी बच्चे को बात है। बहुत अच्छी बात है अगर पता है तो, चैंपियन अब्दुल्ला कह रहे हैं अच्छा सा मिस क्लिक हो गया, अरे मिस क्लिक हो गया इनका, कोई चलिए कोई बात बात नहीं। नहीं। वीर प्रताप सर एक बात टॉप बतानी है, वो सरदार पूछे जी, एक बात बने, पूरी बात सुनोगे? अच्छा बोलिए, बताइए बताइए पूरी जल्दी जल्दी से बताइए, बताइए, तब तो हम लोग अपना लीडर्स बोर्ड देख रहे हैं, आप हमें बताइए लीडर्स जल्दी से बोर्ड में क्या बताइए। है कहता। टॉक्सिक सरदार जी, टॉक्सिक निशान। और ओके, ये वीर प्रताप सेबेस्टियन हाँ है नंबर 3 पे, सेबेस्टियन मेलविन मेलविन हाय हाय 4 हाय पे, मेलविन, शुक्र शुभ अयोध्या धन्यवाद वाले राम राम धन्यवाद जी जी। ये 5वें पे, देन हर्षद मेहता आज खेलने हमारे अरे साथ है, वाह रेवा कुश एंड कुणाल जो भूमिका करके है नाम इनका, जी, उन्होंने भूमिका है बताया कुशन था कुणाल, हाँ हाई फाई वो सर, है। हाई फाई और बिल्कुल। देन थैमोस थॉमस हैं, थॉमस थैमस थॉमस है हैं, थॉमस अच्छा देन भगतुआ वासी जो हमारे प्रांजल जी हैं, जी, और देन और तनुष तनुष है, है। वेरी गुड। चलिए बहुत ही बढ़िया, बताइए वीर चैंपियन आप प्रताप क्या कह रहे हैं कह कि रहे हैं। वो फर्स्ट आए हैं, उन्होंने चैलेंज भी किया था। चैंपियन कह रहे हैं पर आप पहले से ही बता दिया करो। ओके चैंपियन कह रहे हैं आप मेंटी का यूआरएल मत रखो, अच्छा ओके हैक कर लेता है, कर लेता है प्रो एगल वाइटी, टेक इट सीरियस, मजाक नहीं कर रहा। अरे ओके चलो ठीक है, आपने चलिए इंफॉर्मेशन दी, हम इसको देखते हैं, हम इस चीज को करेंगे। अगर ऐसा हो रहा है कि लोग कॉपी कर ले रहे हैं यूआरएल से, तो हम इसको जरूर से ध्यान देखते देंगे। हैं। ठीक है दोस्तों, सवाल नंबर चलिए दो, अब्दुल्ला जी थैंक्स फॉर दिस इंफॉर्मेशन। चलो क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमसे। मैंने भी आज किया है, अच्छा फर्स्ट ओडीआई सेंचुरी फॉर इंडिया इज स्कोर्ड बाय, इंडिया की तरफ से पहली सेंचुरी किसने, मतलब इंडिया के लिए पहली सेंचुरी किसने लगाई थी। ऑप्शन है आपके पास, मोहिंदर अमरनाथ, नवजोत सिंह सिद्धू, कपिल देव या सुनील गावस्कर, किसने इंडिया की तरफ से पहली सेंचुरी मारी थी, जल्दी से बता दीजिए दोस्तों कौन थे वो खिलाड़ी। जिन्होंने इंडिया के लिए पहली ओडीआई वनडे सेंचुरी मारी थी, बिल्कुल क्या वो महेंद्र अमरनाथ थे, नवजोत सिंह सिद्धू थे, कपिल देव थे, या सुनील गावस्कर जी थे, कौन थे वो? ये सवाल तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा। और देखो यहाँ पे भी एक मेजोरिटी तरफा मैंने एकदम कपिल देव एक का, तरफ कपिल देव जी हाँ, कपिल देव साहब थे, इन्होंने उन वर्ल्ड कप में ही मारी थी, वर्ल्ड कप में मारी थी वर्ल्ड कप में मारी थी 1983 के वर्ल्ड कप में 1983 के वर्ल्ड कप में मारी थी जी, इन्होंने जी, और इन्होंने बनाए थे 175 रन। वो वही इनका जीवन का भी हाईएस्ट स्कोर है, बिल्कुल 175 कपिल देव साहब का हाईएस्ट स्कोर था, वो शायद जिम्बाब्वे के खिलाफ था सर, मैं सही हूँ बिल्कुल, जिम्बाब्वे के जी, खिलाफ था जिम्बाब्वे के खिलाफ था 1983 में इन्होंने बनाया था जी, बिल्कुल वर्ल्ड कप में, और 175 इनका करियर हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर भी रहा है, तो कपिल देव चौदह साहब चौके इज द और छह राइट आंसर। छक्के। ओके ओके देखिए अब आते हैं हम लोग, मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कृपया करके अगर आप लोग हैक कर भी रहे हो तो कम से कम चैट बॉक्स में ना लिखिए। तो चलिए लड़िए आप और लड़िए मत, सेबेस्टियन जो है इन्होंने इन्होंने फास्टेस्ट आंसर आखिरी दिया, में वेरी बिल्कुल गुड। और पहले नंबर पे आ गए। और इसके बाद टॉक्सिक सरदार जी 2 पे हैं, टॉक्सिक निशान नंबर 3 पे हैं, देन तनुष थॉमस कुश एंड कुनाल हाई फाइव, और टॉम एंड जेरी भाई बोलते हैं भाई बोलते फास्टेस्ट है। फास्टेस्ट हैं, देन मेलविन हाई फाइव हैं, और देन शुभ अयोध्या वाले। ओके जी चलिए चलो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमसे क्या कह रहा है। फटाफट सब लोग मेंटी पे आ जाओ दोस्तों, लो फटाफट सब लोग मेंटी पे आ जाओ, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। अच्छा अगर लोग आंसर दे रहे तो सभी लोग एक साथ आंसर दे देंगे। स्पोर्ट्समैन ऑफ द सेंचुरी बाय इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी इज बीइंग वोटेड, किसको वोट किया था स्पोर्ट्समैन ऑफ द सेंचुरी का, एमिल जाटो पैक, अल ऑल्टर, कार्ल लुइस या या बॉब बॉब बियोमोन, बीमोन। बताओ दोस्तों। अच्छा वो प्रो हैकर कह रहे हो, अब्दुल्ला जी कह रहे हैं कि हैकिंग हो रही है, सर चलिए हम रुको, पता कुछ कर लेते हैं, पहले फटाफट इसका आंसर तो हो दो, रहा इस है। चीज को हम लोग अपनी टेक्निकल टीम से बोलेंगे अब्दुल्ला जी चेक करने को, अगर ऐसा हो रहा है तो विल टेक इट इन अ सीरियस नोट और विल रिजॉल्व द इशू वेरी सून। ठीक है नहीं तब सर, कुछ तक तो हो आप रहा है, देखो,
और देखो यहाँ पे मेजोरिटी ने आंसर दिया है और वो आंसर एकदम सही है, कार्ल लुइस। जी हाँ, ओलंपिक्स इंटरनेशनल कमेटी की तरफ से इनको स्पोर्ट्समैन ऑफ द सेंचुरी था सेंचुरी कार्ल कहा लुइस गया था। के। सर इनके जी बारे में कहानी, मतलब कहानी नहीं, मतलब एक इनके बारे में फिर मैं आपको चर्चा बताऊंगा। ये स्प्रिंटर हैं, अच्छा, अमेरिकन मैंने रनर, रनर हैं, और इधर तेज स्प्रिंटर माने दोस्त होते जो फास्ट रनिंग रनर वाले होते होते हैं, हैं। हाँ तेज रन, उनको जी, स्प्रिंटर कहा जाता है। ये स्प्रिंटर हैं और इसके साथ ये लॉन्ग जंप में भी हैं। ओके, ठीक है, इन्होंने इसी में कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, गोल्ड मेडल्स जीते हैं ओलंपिक में, इन्होंने 9 गोल्ड मेडल जीते हैं सर अभी तक, मतलब जीत चुके हैं। और इनके बारे में जो सबसे जो टची बात जो मुझे लगी, जो मुझे हर मतलब मेरे दिल को छू गई, वो ये है कि जब इनके फादर एक्सपायर हुए, जब उनकी डेथ हुई, तो इन्होंने अपना जो गोल्ड मेडल था वो उनकी बॉडी के मतलब उनके हाथ में दिया, अपने फादर के उनके कॉफिन में रख दिया, वो उनको ये कहते हुए कि ये आपके फेवरेट मोमेंट्स में से एक था, इसलिए ये मैं आपको देना चाहता हूँ। इन्होंने शायद 8 गोल्ड मेडल जीते थे आठ टोटल, गोल्ड मेडल जीते 8 गोल्ड मेडल जीते थे, 2 सिल्वर, नहीं 1 सिल्वर जीता इन्होंने। जी, एक सिल्वर भी जीता है। जी और जब इनकी माता जी ने इनसे ये कहा कि बेटा तुम ये क्या कर रहे हो, वो शॉक मतलब सरप्राइज थी वो, तो उन्होंने अपनी माता जी को ये जवाब दिया, कोई बात नहीं माँ, इसे जाने दो, मैं दूसरा ले आऊँ। और वो लेकर आए ओके, बताइए उसके बाद। कितने बड़े प्लेयर थे। अच्छा, जो लोग कह रहे हैं ना कि हैक हो रहा है, हैक नहीं हो रहा है, जी खैर चलिए देखो, हैक हो चाहे ना हो, मैं आप लोग को एक बात बताता हूँ, जो फैक्ट्स हम लोग बता रहे, क्या ये हैक कर पाओगे आप लोग? हमारा मेन हाँ मोटो, हम लोग हमेशा से कहते हैं, हमारे क्विज का मोटो ये नहीं है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, बिल्कुल, ये तो एक हमारा गेम मतलब है। बिल्कुल हम जब क्वेश्चन बनाते हैं तो उस क्वेश्चन के पीछे की स्टोरी, उस क्वेश्चन के पीछे का फैक्ट, हमारी ये कोशिश रहती है कि आज आप 1 घंटे के लिए हमारे साथ जब मेंटी में लाइव आ रहे हो तो उस जी, लाइव में आपको सीख के जाओ, कुछ सीख के जाएं। कुछ बिल्कुल नया सीखने को मिले। मैं हमेशा आप लोग से 14वें या 15वें क्वेश्चन के टाइम पे पूछता हूं कि आपको आज का मजा आ रहा क्विज है, कैसा आपको लगा अच्छा लग रहा है, नहीं लग और रहा आज क्या आपने कुछ नया सीखा, मैं यही बिल्कुल, पूछा। तो हमारा जो मेन मोटो है दोस्तों, वो हमारा मेन मोटो ये है, कि आपको सीख कर कुछ जाएं। सीख के जाएं, बिल्कुल ये है। और अगर ऐसा हो रहा है तो इसके लिए हम टेक्निकल टीम से कर लेंगे, ठीक है, आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों। चलो ठीक है, हम लोग मूव करते हैं हमारे लीडर्स बोर्ड की तरफ। हमारा लीडर्स बोर्ड का था इतना। चलिए जी है। क्वेश्चन नंबर, पहले हमारा लीडर्स बोर्ड देखे, इसका देखिए, सेबेस्टियन जो सेबेस्टियन, है और भाई बोलते, दोनों ने फास्टेस्ट आंसर दिया। देन बिल्कुल टॉक्सिक सरदार जो निशांत नंबर 2 पे हैं, देन तनुष बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, टॉम एंड जेरी हैं, शुभ अयोध्या वाले हमारे साथ हैं, देन थैमोस और हैं, एक नई एंट्री देन हुई है हकुना मटाटा, हकूना मटाटा, ये आपकी मूवी थी टुमोन एंड पुम्बा, टुमोन एंड उसमें वो लोग कार्टून बोलते थे कार्टून हाँ, कार्टून आते थे हकूना मटाटा मतलब खुश रहो आबाद जी, रहो। गमगो चलो गांगुली। फटाफट सब लोग मेंटी पे आओ, क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है। सवाल नंबर 4 सवाल नंबर 4 अब्दुल्ला जी, चैलेंज करके आंसर मत बताइए, बाकी लोग कह रहे हैं खेल टेंशन रहे नहीं, हैं। वो कह रहे हैं मैं पहले से बताऊं क्या आंसर, नहीं नहीं वो सही चलिए, सही कह रहे हैं, वो कुछ हो रहा है। हम लोग इसको चेक कर लेंगे। फॉर्मूला फॉर्मूला 1 सेंक्शन बाय विच अथॉरिटी, किस अथॉरिटी ने फॉर्मूला 1 सेंक्शन कौन करता है बताइए, FIA, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल, WMSA, वर्ल्ड मोटर स्पोर्ट एसोसिएशन, AMS, एसोसिएशन ऑफ मोटर रेसिंग, या IFMS, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ स्पोर्ट्स मोटर स्पोर्ट्स। बताओ दोस्तों, जो फॉर्मूला 1 होती है वो किस अथॉरिटी के थ्रू सैंक्शन होती है, कौन उसको करवाता है? बिल्कुल क्या वो FIA है, WMSA है, AMS, AMS है? अच्छा देखो, सबने आंसर दे दिया और यहाँ पे मेजोरिटी ने जो आंसर दिया वो FIA। जी बिल्कुल हाँ, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल, जिसका हेडक्वार्टर आपका पेरिस में है, फ्रांस में, जिसका हेडक्वार्टर जो है पेरिस में है फ्रांस में, ये सैंक्शन करती है फॉर्मूला 1 रेसिंग, फॉर्मूला 1 बहुत ज्यादा रेसिंग फेमस है। जो आपके कौन है सा, फेडरर है वो, नहीं, नहीं फेडरर तो उसमें है, सॉरी, टेनिस में अरे माइकल माइकल शुमाकर, शूमाकर, माइकल शुमाकर जो और इसके बहुत इंडिया बड़े, इंडिया के जो हैं जो फेमस प्लेयर हैं वो है नारायण कार्तिकेयन नारायण कार्तिक है। जी जी। आप देखें क्या कोई चेंज आया। जी सेबेस्टियन ने लगता है इसका आंसर गलत दे दिया है, और टॉक्सिक सरदार जी ने फास्टेस्ट आंसर दिया था और वो नंबर 1 पे आ गए, देन टॉक्सिक निशांत है, देन तनुष है, सेबेस्टियन है, भाई बोलते, शुभ अयोध्या वाले हैं हमारे साथ, देन टॉम एंड जेरी, कुश एंड कुणाल हाई फाई सर, बिल्कुल हकुना मटाता एंड मेलविन हाय। ओके दोस्तों, चलो अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। फटाफट सवाल नंबर 5 सब लोग मेंटी पे आओ दोस्तों, फटाफट सब लोग मेंटी पे आ जाओ, जिससे हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करें। और हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है, द चाइना मैन इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, किस खेल से चाइना मैन शब्द जुड़ा हुआ है, फुटबॉल, हॉकी, गोल्फ गोल्फ या क्रिकेट, किससे जुड़ा हुआ है ये टर्म है चाइना मैन, चाइना मैन।
ये किस स्पोर्ट से जुड़ा हुआ है? फुटबॉल से, हॉकी से, गोल्फ से या क्रिकेट से? बताओ। जिन्होंने हैकिंग कर ली अगर वो कहते हैं तो वो भी बता दें, जिन्होंने नहीं किए वो भी बता दें। और देखो यहाँ मेजोरिटी ने आंसर दिया है क्रिकेट। जी, बिल्कुल चाइना मैन एक तरह की बॉलिंग होती है सर। ये जब लेफ्ट आर्म बॉलर होता है जो स्पिन करवाता है राइट हैंड बैट्समैन को, है ना सर? चैंपियन अब्दुल्ला कह रहे हैं मुझे आंसर नहीं बताना, लेकिन प्रूफ के लिए बता रहा हूं। चलो कोई बात नहीं, गेम को खेलो यार, छोड़ो देखो कमेंट सेक्शन। आप लोग हम लोग पे देखो, हम लोग जो पूछा वो दोस्तों, बताओ, है ना? आप आंसर दीजिए। अगर मैं आपको पता है आपने हैक किया है या जिसने भी जो भी किया है, आप इसको हम इसको देखेंगे, इसको सीरियस नोट पे लिया है हमने, अपनी टेक्निकल टीम और आईटी टीम से बात करेंगे इसके बात बारे कर में। लेंगे, टेंशन और की बात नहीं। देखो इसके ये अलावा ये क्विज होने दीजिए, इसमें इस क्विज में जुड़े हुए जो फैक्ट आप लोगों को मिल रहे हैं वो उसको आप कोई खुद ना हैक हैक नहीं कर कर लोगे, सकता, वो तो हमारे दिमाग में है। उसको कोई हैक नहीं कर सकता। और उससे अच्छी बात है कि इस क्विज के साथ जो चीजें हम आपको दे रहे हैं, जो नॉलेज हम आपको दे रहे हैं, वो आप कोई कभी हैक नहीं कर पाएगा आपकी नॉलेज। चलिए कोई नहीं, अब आपस में लड़ रहे हैं चलिए सब। तो मैं बता रहा हूं, क्रिकेट जो है ये लेफ्ट आर्म बॉलर जो होता है जब वो स्पिन करवाता है राइट हैंड बैट्समैन को, और जो बॉल होती है आपकी ऑफ साइड से लेफ्ट साइड पे जाती है। बिल्कुल, लेफ्ट आर्म बॉलर हाँ, के लेफ्ट लिए, आर्म बॉलर के जैसे लिए। हमारे मैं यहाँ कुलदीप यादव है, कुलदीप, शायद उन्हीं ने पहली बार की भी थी ये। नहीं हमारे इंडिया के पहले चाइना मैन है अच्छा, वो, इंडिया के पहले इंडिया चाइना के मैन है। पहले तो चाइना मैन ये बॉलर टर्म है, होता है बॉलिंग के लिए, लेफ्ट आर्म जो स्पिनर होता है लेफ्ट उसके आर्म लिए। स्पिनर बॉल कराता है और बॉल ऑफ जी, टू लग जाती है। ऑफ टू लेग जाती, तो उसको कहा जाता है टर्म चाइना मैन बॉलिंग। जी ओके, तो चलो हमारा देखते हैं कि वो कह रहे हैं मिसक्लिक हो गया, कोई बात कोई नहीं। बात नहीं, हो जाने दिए मिसक्लिक। बाकी हमारा फास्टेस्ट आंसर जिसने दिया है वो आंसर दिया है आपके भाई बोलते थे और टॉक्सिक टॉक्सिक पीयूष पीयूष ने। ओके, वेरी गुड। और और उसके टॉक्सिक बाद सरदार, तीनों टॉक्सिक ने सारा, तीन लोगों ने फास्टेस्ट आंसर दिया। कॉम्पिटिशन तगड़ा हो रहा है अब, ये लोग कैसे भी कर रहे हैं, लेकिन तब भी ये देखो जीतेगा तो कोई एक ही ना, अब वो कौन जीतता है ये मैटर करता है। चलिए। विनीता विनीता जी कह रही शर्मा आ रही है, हेलो, हेलो 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 विनीता जी, विनीता आज आप जी। शायद लेट हैं। जी विनीता जी, कैसी हैं आप? चलो क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है, सवाल नंबर छह, और क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है दोस्तों? द द नेशनल, नेशनल गेम ऑफ जापान इज, जापान का नेशनल गेम क्या है? ऑप्शन आपके पास टेनिस, कराटे, आइस हॉकी या सुमो रेसलिंग। ये तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा सर, पता होना चाहिए। ये तो सबको पता है क्योंकि वो गेम खाली वहीं खेला जाता है। तो बताओ कहाँ है, कौन सा गेम है वो? टेनिस है, कराटे, आइस हॉकी है या सुबो रेसलिंग? जल्दी से बता दीजिए तो जापान का नेशनल गेम देखिए, मेजोरिटी और ऑफ लोगों को मेजोरिटी क्या सबको सर, पता है। सबने यही आंसर दिया, सुमो रेसलिंग। जी हाँ, जापान में ही खेला जाता है और सुमो रेसलिंग वहां का नेशनल गेम भी है। सुमो रेसलिंग बचपन में आता था ना, एक रेसलिंग थी सर, उसमें आता था रिकीशी करके, हाँ, रिकीशी, WWE। WWE में, तो वो भी था आपका सुमो रेसलर। और देखते हैं इसका आंसर, हकुना मटाटा ऊपर आया, बाकी सब वैसे ही बने हुए हैं। टॉक्सिक सरदार जी और निशांत ने फास्टेस्ट आंसर दिया, वेरी गुड टॉक्सिक जी। वो कह रहे बच्चा बच्चा जानता है। चलो तो ठीक है, चलो मूव करते हैं। वो कह रहे बच्चा बच्चा जानता, शुभ जी सही कह रहे हैं। चलो वी आर इन द मिड ऑफ आवर क्विज, फटाफट सब लोग अपने मेंटी क्विज पे आ जाओ, जिससे कि हम लोग अपना 7वां क्वेश्चन लेकर आए आपके लिए। सवाल नंबर सात, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल टूर्नामेंट हेल्ड ऑन ग्रास कोर्ट, ग्रास कोर्ट पर इनमें से कौन सा टेनिस टूर्नामेंट होता US है? ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन या ऑस्ट्रेलिया ओपन, बताओ जल्दी से बताइए कौन कौन सा सा होता होता है है? ग्रास कोर्ट पर, US ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन या ऑस्ट्रेलियन ओपन, कौन सा जो गेम है इनमें से, कौन सा टूर्नामेंट ग्राउंड पे, है जो जो हाँ ग्रास कोर्ट पर होता है? ग्रास कोर्ट पे होता है, बताओ दोस्तों फटाफट। देखते हैं क्या आंसर आता है इसका। 5 सेकंड आ गए दोस्तों, 3, 2, 1 और टाइम्स अप, लेट्स सी। और देखो विल्मिंडन इसका आंसर दिया है 9 लोगों ने, और वो एकदम सही आंसर। जी हाँ, जो US ओपन होता है उसका जो सरफेस होता है जिसपे खेला जाता है वो हार्ड सरफेस होता है, हार्ड देन आपका जो फ्रेंच ओपन होता है ये क्ले सरफेस के ऊपर खेला जाता है, और जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो भी हार्ड सरफेस पे खेला जाता है, बिल्कुल, और लेकिन जो विंबलडन जो विल्मिंडन है है वो आपका ग्रास सरफेस पे खेला जाता है। जी, और ये जो लोग हैक करेगा ये चीज पता थी इन लोग को कि खाली आंसर हैक थे, ये हमें बताओ मेन है कि नहीं दोस्तों? कोई नहीं, आपको देखो मेन हमारा जो मोटिव है वो, आप लोग को मजा आ रही कि नहीं आ रही, क्विज खेलने में आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? क्वेश्चन नए नए आते हैं, नई नई चीजें जानने को मिलती जानकारी, हैं, नई नई जानकारियां ये आपको सारी मिलती चीजें हैं। कहां से मिलेंगी सर, है कि नहीं आपको? चलो हकुना मटाता बहुत तेजी से ऊपर आ रहे हैं, चले देन बहुत टॉक्सिक बढ़िया, सरदार जी हमारे नंबर 1 पे है, देन निशान नंबर 2 पे है, फास्टेस्ट आंसर भी है। चलिए बढ़ चलते हैं आगे अपने अपने अगले सवाल की ओर।
सवाल नंबर आठ। क्वेश्चन नंबर एट। चलो क्वेश्चन नंबर एट हमसे क्या कह रहा है दोस्तों, फटाक से देखते हैं। सब लोग मेंटी पे आ जाओ दोस्तों, कई लोग हैं जो मेंटी पे नहीं आ रहे हैं, पहले सब लोग मेंटी पे आओ और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों हमारे, ठीक है। ट्रोल कर रहे हैं, हैक नहीं करते पर तब भी पता है। हाँ ये तो। चलो, बोट रेस इज फेमस फेस्टिवल गेम ऑफ, कहाँ का बोट जो रेस होती है कहाँ बोट के लिए रेस फेमस कहाँ है? का फेमस फेस्टिवल है? तमिलनाडु, गोवा, केरला या आसाम? बताओ दोस्तों जल्दी से बताइए। ये बोट रेस आप होती है ये आपको पता होना चाहिए। बोट रेसिंग होती है ये सर, जब इसको मैं बोट रेसिंग जब भी देखता हूँ ये, तो मेरे को जो सबसे अच्छी चीज लगती है ना उसमें, मुझे वो सबसे अच्छी चीज लगती है जितने जो लोग उसमें बोटिंग कर रहे होते हैं उनकी जो सिमेट्री होती है, जो वो एक बहुत साथ बहुत सही, सबके बहुत सही। साथ एक ही, मतलब उनमें जो थोड़ा सा देखें दोस्तों डिफरेंस इसका हो। किस स्टेट की है ये। किस स्टेट में खेली जाती है बोट रेस? कहाँ का नेशनल मतलब फेमस फेस्टिवल है? और टाइम्स अप। और देखो यहां पे जो आंसर दिया था, केरला। केरला आंसर इज केरला जी। बिल्कुल। इसको वेमेला काली कहा जाता है, वेमला काली। वेमेला काली इस गेम को कहा जाता है, वहां का ट्रेडिशनल गेम है। जैसे हम लोगों ने पहले पूछा था ना कि स्पेन में आपका बुल फाइटिंग है, उसी बिल्कुल तरह ये इधर उनका ही यहाँ कल्चरल एक कल्चरल गेम गेम है, है। वेमेला काली कहा जाता है। केरला में बहुत ज्यादा फेमस है, बोट रेसिंग होती है, कभी देखने का मौका मिले तो जरूर देखेगा। इतनी स्पीड से वो लोग बोट चलाते हैं, बिल्कुल बहुत बहुत अमेजिंग गेम होता है और बहुत मेहनत का गेम है ये, टीम वर्क कहते हैं। बिल्कुल। बागी में भी बहुत बोट रेस होती है। हाँ, बागी मूवी की बात कर अच्छा रहे हैं मुझे बाकी लग मूवी की रहा बात करें। बिल्कुल है जी। हाँ उसमें भी थी ये। तो चलो दोस्तों देखते हैं इसका आंसर किसने दिया, और टॉक्सिक पीयूष टॉक्सिक पीयूष फास्टेस्ट फास्टेस्ट ये। ओके, हमें लग रहा है टॉक्सिक ये तीनों जो हैं एक ही टीम के लोग हैं ये लोग। क्या लोग पबजी अबजी में टीम बना के खेलते हो क्या? नहीं, ये मल्टी में टीम बना के खेलते हैं। मेंटी में टीम बना के खेलने, इसके साथ में वो भी देखा है क्या आप लोग ने? सर देखा हुआ है मैंने। अच्छा, विनीता जी कह ओके रहे, विनीता शर्मा जी कह रहे हैं उन्होंने देखा है। वेरी गुड, यानी कि आप केरला इला गए हैं कभी, हो सकता है अगर लाइव देखा हो, बहुत अच्छी नहीं, जगह मैं है मूवी की विनीता। बात कर रही हूँ, मूवी में देखा है। अच्छा चलिए बढ़ चलते अपने नौवे सवाल की ओर दोस्तों। अच्छा नौवा वो कह सवाल रहे आ प्रो रहा है आपके। एकर, हाँ टीम है इन लोग की। अच्छा एक टीम है, तो आप लोग क्या पबजी और गेमिंग में भी जाते हो साथ में खेलने के लिए इसी नाम से? चलो क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है हमारा। ओके, वेयर वॉज द फीफा वर्ल्ड कप 2018 प्लेड? 2018 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ खेला गया था? ऑप्शन आपके पास, रशिया, स्पेन, स्पेन, फ्रांस या ब्राजील। कहाँ पर 2018 का फीफा वर्ल्ड कप खेला गया था? ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन दोस्तों, रशिया, स्पेन, फ्रांस या ब्राजील। कहां पे खेला किस गया देश था? में खेला गया था? शुभ साहू कह रहे हैं उन्हें नहीं पता। चलिए कोई बात नहीं, ओके कोई बात इस नहीं। क्वेश्चन के बाद हम आपको पता चल जाएगा। वैसे बहुत फेमस हुआ था जिसको, चलो अभी ये सब बताएंगे बाद में, पहले आप बताओ कि कहां पे खेला गया था, जिन लोग को पता है इसका आंसर। चलिए इसके साथ टाइम्स अप और देख लेते हैं सही जवाब क्या है इसका। और देखो यहां पे जो मेजोरिटी ने आंसर दिया है वो दिया है रशिया रशिया। जी, बिल्कुल रशिया में हुआ था रशिया में हुआ था। फ्रांस ने जीता था, क्रोशिया सेमीफाइनल, मतलब फाइनलिस्ट हुई थी, और 4-2 का स्कोर था। 4-2 के स्कोर से जीती। 4-2 था सर? हाँ, 4-2 का था सर। तो रशिया में हुआ था 2018, और 2022 हो रहा है वो होगा कतर कतर में, में। एशिया बिल्कुल में। पहली बार सर पहली बार फीफा एशिया में वर्ल्ड कप होगा। एशिया में होने जा रहा है, आज तक कभी भी फीफा एशिया में नहीं हुआ, पहली बार एशिया में होगा 2022 में। बिल्कुल तो देखते हैं कतर कैसा होता है। चलो, और अब हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। बिल्कुल फटाफट लोग मेंटी पे आ जाओ जिससे कि हम लोग आ जाएं। ओके, वो कह रहे हैं कि अगर उनको है तो 985 से ज्यादा नहीं दे सकते। चलो देखते हैं, चलिए। चलो हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है, और क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा विच इज द है। ओनली वुमन टू हैव वॉन 3 विंबलडन टाइटल इन अ रॉ? ऑप्शन आपके पास, मैरी पेरे, सेरेना विलियम्स, स्टेफी ग्राफ या वीनस विलियम्स। बताइए दोस्तों, किसने 3 बार लगातार इन रो विंबलडन जीता था? विंबलडन किसने 3 बार, विंबलडन की भी बात हो रही थी थोड़ी देर पहले कि ग्रास कोर्ट पर होता है, ग्रास कोर्ट पे खेलता है, तो वो तो ये कौन? कौन सी, इनमें से कौन सी वो महिला हैं जिन्होंने 3 बार लगातार इन रॉ इसमें जीता है? चलिए देखते हैं इसका आंसर कौन सही देता है, मैरी पेरे, सेरेना सेरेना विलियम, विलियम, स्टेफी स्टेफी ग्राफ ग्राफ या या वीनस वीनस विलियम्स। विलियम्स। और इसके साथ होता है टाइम्स अप। और देखो यहां पे बहुत कांटे का हुआ था, और स्टेफी स्टेफी ग्राफ, ग्राफ है वो महिला जी हाँ, जिसने। बिल्कुल शी इज द ओनली वुमेन हु वॉन विंबलडन इन अ रो 3 टाइम्स।
मुझे सर स्टेफी ग्राफ का मुझे छोटा सा क्लिपिंग देखा था मैंने, जी वीडियो सर। क्लिपिंग, और उसकी वजह से मैं स्टेफी ग्राफ को जानता हूँ, उससे पहले मैं नहीं जानता था इनको। उस क्लिपिंग में था कि स्टेफी खेल रही है और पीछे से कोई इनका एक फैन है वो चिल्ला के इनसे पूछता है, स्टेफी विल यू मैरी मी अच्छा ये वो हैं, जी। और उसके जवाब में हाउ स्टेफी मच ने मनी यू उनका हैव। बहुत अच्छा जवाब दिया था, उन्होंने कहा हाउ मच मनी डू यू हैव, तुम्हारे पास हाँ कितना पैसा है जल्दी से बताओ। हाँ ये इंटरनेट पे बहुत फेमस हाँ ये बहुत है फेमस ये। मीम थी ये हाँ वैसे टेनिस कोर्ट में जो लोग टेनिस देखते हैं उनको पता होगा, मैं कभी कभी देखता हूँ जी। तो टेनिस कोर्ट में ना बहुत हंसी मजाक होता है, बिल्कुल मतलब कि और किसी स्पोर्ट्स में ऑडियंस और प्लेयर्स का इतना ज्यादा इंट्रैक्शन नहीं होता इंटरेक्शन नहीं जितना होता कि टेनिस में होता है। क्योंकि एक बहुत पास पास होता है एक्चुअली पास वो। पास होते हैं, और टेनिस बहुत ही अच्छा, मतलब कि जिन लोगों ने अगर कभी टेनिस खेला है वो लोग जानते हैं, और जिन लोगों ने देखा है वो लोग बताते हैं बहुत ज्यादा स्टेमिना की जरूरत है, टेनिस खेलना आसान बिल्कुल नहीं है, बहुत ज्यादा बहुत स्टेमिना ज्यादा, लगता है मतलब कि कुछ गेम ऐसे होते हैं जिनमें सबसे ज्यादा स्टेमिना लगता है, उसमें से मेरे ख्याल से एक टेनिस होगा, एक बैडमिंटन होगा। बैडमिंटन में, बहुत स्टेमिना क्योंकि बैडमिंटन दोनों और टेनिस, सेम उसके हैं। इसमें आपके रिफ्लेक्स एक्शन की जरूरत इतनी ज्यादा होती है आपको नहीं पता, क्योंकि वो हम लोग जब देखते हैं टीवी में तो हम लोग लगता है उधर जा रही है इधर आ रही है, लेकिन जब आप रियल में खेलोगे तो वो विद इन अ सेकेंड्स होता है बॉल आना और जाना। तो बहुत ज्यादा टफ गेम है टेनिस, और टेनिस गेम भी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा गेम है ये। चलो ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग मूव करते हैं, चलिए चलो हमारा देखते हैं, भाई बोलते हैं फास्टेस्ट हैं और आपके टॉक्सिक पीयूष फास्टेस्ट हैं, ये दोनों लगातार फास्टेस्ट बने हुए हैं, देन आपके सरदार जी और निशांत साहब तो हैं ही नंबर वन पे, टू बिल्कुल पे, देन शुभ अयोध्या वाले हकुना मटाता, तनुष यो यो की एंट्री हो चुकी है, कुश एंड कुणाल हाई फाई सर है, देन टॉम एंड जेरी। ओके तो चलिए चलो हम दोस्तों लोग मूव आगे करते बढ़ हैं चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे, फटाफट सब लोग मेंटी पे आओ दोस्तों, फटाफट मेंटी पे आ जाओ, और क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कह रहा है, हु कौन इज द सा फास्टेस्ट फास्टेस्ट बॉलर बॉलर, इन द ये तो मेरे ऑल ख्याल से क्रिकेट सबको हिस्ट्री, पता सब होगा को सर, पता होना चाहिए सबको पता है कौन है वो एक्सप्रेस जो फास्टेस्ट बॉलर है, जी। बिल्कुल शोएब अख्तर हैं, ब्रैटली हैं, शॉन शॉन टैट टैट हैं, हैं या या जेफ जेफ थॉम्सन, थॉम्पसन हैं। बताओ दोस्तों। ये मेरे फेवरेट बॉलर है सर, मतलब कि मैं पूरी इनकी टीम को सपोर्ट करता था खाली इस बॉलर के चलते, वैसे तो कोई करता नहीं है, रेयरली होता है हमारे यहाँ, लेकिन बहुत बढ़िया बॉलर है, इनका बॉलिंग का एक्शन। वर्ल्ड क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे फास्टेस्ट बॉलर कौन है, शोएब अख्तर, ब्रैडली, शॉन टैट या जेफ थॉम्पसन, कौन है इनमें से? देखो देखो इसका आंसर लोगों ने दिया है, और शोएब अख्तर जी, रावलपिंडी एक्सप्रेस रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर है क्योंकि सर, इनको क्यों कहा गया फास्टेस्ट बॉलर? सर इन्होंने जो बॉल जो स्पीड होती है बॉल की जो हाँ मेजर की जाती है इलेक्ट्रॉनिकली, उसकी स्पीड उन्होंने 161 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा की स्पीड से इन्होंने बॉल पॉइंट करी थी एट जी। बिल्कुल 161.8 किलोमीटर पर आवर पर की आवर की स्पीड स्पीड से, से और वो इन्होंने फेंकी थी मेरे ख्याल से इंग्लैंड के खिलाफ हुआ था सर वो इंग्लैंड मैच, के खिलाफ था, शायद वो इंग्लैंड के खिलाफ मैच था 2003 के आसपास हाँ, शायद। तो उस समय, और मतलब कि ये इकलौते ऐसे बॉलर थे, वैसे तो ब्रेटली और शॉन टैट भी अच्छे ये बॉलर सब हैं बिल्कुल इनके आसपास हैं आसपास वैसे हैं, लेकिन शोएब अख्तर ओवर की छह गेंदे 150 के ऊपर फेंकते थे, बिल्कुल, इतना ब्रेटली आपकी स्टैमिना। एक दो स्लोअर वन फेंक देते थे, शॉन टैट मुझे याद है शोएब अख्तर जब पहला आईपीएल मैच खेलने आए थे, पहला आईपीएल मैच खेलने आए थे कोलकाता नाइट राइडर की तरफ से खेला था, बिल्कुल और उसमें इनका जो मैच हुआ था वो बैंगलोर से हुआ था, जिस टाइम पे उन्होंने वो मारे थे क्या नाम है आपके, पहला आईपीएल मैच जो इनका कोलकाता के लिए खेला था उसमें इन्होंने 16 रन दे के 4 विकेट लिए थे, 16 रन दे के, शोएब हाँ अख्तर ने 4 विकेट लिए थे 16 रन दे के, इनकी बेस्ट फिगर भी आईपीएल की वही है, बिल्कुल। और स्टंप उखाड़ दिया था, मतलब कि क्या बॉलर है, लाजवाब बॉलर है, लाजवाब। चलिए बढ़ चलते हैं दोस्तों अपने लीडर बोर्ड की तो तरफ। चलो हम देखते हैं हमारा लीडर बोर्ड हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन, अच्छा पहले लीडर बोर्ड में ओके देखो सब लोग फास्टेस्ट आंसर दे रहे इसका, और भाई बोलते और टॉक्सिक निशान ने इसका फास्टेस्ट आंसर दिया, देन सरदार जी हमारे नंबर वन पे बने हुए हैं, बहुत बढ़िया सरदार जी आप नंबर वन पे हैं, और उन्हीं के टीम पे निशान नंबर टू पे हैं, देन टॉक्सिक पीयूष नंबर तीन पे हैं, देन हमारे अब्दुल्ला साहब जो भाई बोलते के नाम से खेल रहे हैं वो हैं, देन शुभ अयोध्या वाले राम राम जी आप हैं, हकुना मटातार, तनुष यो यो कुश एंड कुणाल, और एंड देन प्रांजल भागवत उपाध्याय, वासी। प्रांजल उपाध्याय बता रहे हैं ब्रेंडन मैकुलम फास्टर सेंचुरी। अच्छा चलिए जी हाँ नहीं बिल्कुल फास्टेस्ट सेंचुरी तो उनकी है, वनडे की बात कर रहे हैं, अच्छा नहीं ये फास्टेस्ट सेंचुरी उसमें बात करूंगा, आईपीएल में, आईपीएल में भी ब्रेंडन मैकमिलन की फास्टेस्ट सेंचुरी नहीं है, उसमें फास्टेस्ट सेंचुरी आपकी है मेरे ख्याल से यूसुफ पठान की है,
और फास्टेस्ट फिफ्टी आपकी केएल राहुल की है, और वर्ल्ड क्रिकेट में फास्टेस्ट सेंचुरी है जो वो है आपके शोएब उनकी शाहिद अफरीदी की, ऐसा है। तो ब्रेंडन मैकुलम आप किस उसमें कह रहे बताइएगा। प्रांजल उपाध्याय कह रहे हैं क्रिस गेल, आईपीएल में क्रिस गेल। हाँ सही कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12, फटाफट सब लोग मेंटी पे आओ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कह रहा है, बैडमिंटन इज द नेशनल गेम ऑफ विच कंट्री, कौन सी कंट्री का बैडमिंटन नेशनल गेम है, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, भूटान या यूएसए, बताओ दोस्तों किस देश का राष्ट्रीय खेल। अच्छा मैं एक चैलेंज करता हूँ, जो लोग कह रहे हैं ना हैकिंग हो रखी है, हमें हर देश के नेशनल गेम बता देना। अगर आप लोग नॉलेज की बात करो, जिस सबको नॉलेज है, तो बताओ हर देश का नेशनल गेम क्या है, जो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, भूटान, यूएस, इन चारों का। जो लोग ये कह रहे हैं कि हमें नॉलेज से हम आंसर दे रहे हैं, वही लोगों में बता दो। देखते हैं दोस्तों, ओके, देखिए प्रो हैकर चैलेंज करने के तैयार हैं। ओके सर, अगर मैं हैक कर रहा हूं तो आप लिंक मत रखना, कोड रखना। चलो देखो इसका आंसर दिया लोगों ने, मेजोरिटी ने आंसर दिया इंडोनेशिया, जी इंडोनेशिया राइट आंसर। अच्छा कोई है जो हमें बताने वाला है कि हर बाकी कंट्रीज का, अर्जेंटीना का नेशनल गेम क्या है, भूटान का नेशनल गेम क्या है, यूएसए का नेशनल गेम क्या है, पता है दोस्तों आप लोग को? हाँ चलो खैर मैं बता देता हूं, अर्जेंटीना का जो नेशनल गेम है सर वो है पाटो, एक तरह से जो पोलो होता है ना हॉर्स पोलो उसी की तरह से होता है, पाटो वहां कहा जाता है, वो उनका नेशनल गेम है। भूटान का जो नेशनल गेम है वो आर्चरी मतलब की धनुष बाण तीरंदाजी, और यूएसए का जो नेशनल गेम है वो है आपकी बेसबॉल, ये है, और इंडोनेशिया का नेशनल गेम है बैडमिंटन। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ा, ओके पाटो बैडमिंटन बेसबॉल, देखो उन्होंने दे भी दिया आंसर, वेरी गुड प्रो हैकर, आपको यानी कि पता था ये चीज। चलो अब देखते हैं, भाई बोलते ने इसका फास्टेस्ट आंसर दिया है सर, और सरदार जी नंबर वन पे हैं, देन आपके, लेकिन ज्यादा पॉइंट का डिफरेंस है नहीं ऊपर वाले चारों में, एक भी आंसर गलत और हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे आ गए हम लोग, सवाल नंबर 13 दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ रहा है। चलिए चलो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। Which WWE superstar entrance music contains the lyrics "Your time sir is up, my time is now"? किसके एंट्री सॉन्ग में ये होता है, योर टाइम इज अप, माय टाइम इज नाउ, जॉन सीना, शॉन माइकल, रोमन रेज या ट्रिपल एच, बताओ दोस्तों। बताइए दोस्तों, ये तो सुना ही होगा, जिसको इसने रेसलिंग का फैन है सबको पता होगा, योर टाइम इज अप, माय टाइम इज नाउ, ये बात भी सही कह रहे हो सर। अच्छा वो कह रहे एक मीम भी है इसके ऊपर, चलिए प्रो एकर बताइएगा मैं क्या मीम है वो। देखते हैं इसका आंसर किसने क्या दिया है, और जी हाँ जॉन सीना, जॉन सीना का है, शॉन माइकल, शॉन माइकल तो मेरे ख्याल से वो है आपका हार्ट ब्रेक किड, तो इसका उस तरह से आता है। ट्रिपल एच का मेरे को याद नहीं है, डीएक्स में आया करता था, और रोमन एच का मैंने इतना देखा नहीं है तो मैं उसके बारे में बताता नहीं हूँ। चलो ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 के हम लोग लीडर्स बोर्ड में आ चुके हैं, और इसमें देखें क्या कोई चेंज आया है, लग रहा है था कुछ चेंज आ गया है, नहीं सर खास चेंज नहीं आया, सरदार जी ने फास्टेस्ट आंसर दे दिया है, नीचे में तनुष ऊपर आ गए हैं, शुभ अयोध्या वाले हकुना मटाता और भाई बोलते, ओके ओके अभी भी लोग बने हुए हैं सर। जय महाराष्ट्र कहिए, जय महाराष्ट्र सोहम जी, जय महाराष्ट्र, जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय भारत जी। चलिए जॉन सीना और उसका पसीना पानी मत पीना, अरे वाह उसका पसीना पानी मत पीना, सही है सही है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा विनीता जी हिंट मांग रही है, अब्दुल्ला जी हेल्प करिए विनीता जी की, वो आपसे हिंट मांग रही है। चलो मैक्सिमम परमिटेड लेंथ ऑफ क्रिकेट बैट, क्रिकेट बैट की मैक्सिमम परमिटेड लेंथ यानी कितनी लंबाई हो सकती है, 32 इंच, 34 इंच, 36 इंच या 38 इंच, बताओ दोस्तों। मैक्सिमम जो परमिटेड लेंथ होती है क्रिकेट बैट की वो कितनी होती है, कितनी होती है मैक्सिमम, देखो यहां पे आंसर दिया लोगों ने 38 इंच जी, जो क्रिकेट बैट होता है इंटरनेशनल आईसीसी की तरफ से, क्रिकेट ऑफ काउंसिल जो इंटरनेशनल क्रिकेट, उसने ये परमिशन दे रखी कि 38 इंच से ऊपर बैट आप नहीं ले सकते हो, आप उससे छोटा बैट यूज कर सकते हो लेकिन उससे बड़ा बैट यूज नहीं कर सकते हो आप 38 इंच के ऊपर। पता बैट क्रिकेट इन सबको लेकर बहुत बड़ी पॉलिसी होती है, बकायदा चेक होता है, अगर आपका 1 सेंटीमीटर भी ऊपर हो जाएगा तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो, स्पोर्ट्स में इतना सारी चीजें बहुत मैटर होती हैं। वो देखिए पहली बुझा रहे हैं, चलो
हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन से पहले हमारा आ चुका है, और इसका आंसर किसने फास्टेस्ट दिया है, और देखते हैं क्या है। हकुना मटर ने सर बहुत तगड़ा खेलने बहुत देर से, और टॉक्सिक पीयूष ने। अच्छा दोस्तों मैं आपसे बता रहा हूं, अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 15 पे आने जा रहे हैं। उससे पहले हमें जरूर से बताना कि आज का जो क्विज है वो आप लोग को कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में बताओ। खैर चाहे जितनी भी बातें चल रही हो, आप हमें बताओ कमेंट सेक्शन में कि आज का जो क्विज है वो कैसा लगा, जो आप लोग को फैक्ट्स हमने सामने रखे वो फैक्ट्स जान के आपको कैसा लगा, क्या कुछ नया सीखा आप लोग ने। बिल्कुल, और ठीक कुछ 5 बजे नया सीखने को मिल रहा है नहीं मिल रहा है, जी सबसे बड़ी बात तो ये है। और दोस्तों इसके साथ एक चीज और हम आपको हाँ, बताएंगे कि शाम 5 बजे 5 बजे सीबीएसई और जेई को लेके हम लोग ने कुछ स्ट्रेटजीज बनाई हैं उनकी बहुत ही पढ़ाई को लेके। इम्पोर्टेंट, बहुत ही जी इम्पोर्टेंट रहेगा फ्री वो ऑफ देखना कॉस्ट हम आपको। बहुत कुछ देने वाले हैं आप लोग को अपनी तरफ से, कोई इसमें चार्ज नहीं करने वाले हम लोग, जो आपको पढ़ाने के लिए देने चाहते हैं तो जरूर से जरूर ज्वाइन करिए हमें। ठीक है दोस्तों। 5 बजे दोस्तों लाइव आइए, लाइव सेशन होगा हमारा एक और दूसरे चैनल पे, और वहां पर आइए, जरूर आइए, वहां पर ज्वाइन कीजिए क्योंकि बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है वो। जी दोस्तों तो चलो मूव करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन के लिए, और हमें जरूर बताइएगा कैसा लगा आप लोग को कमेंट में आंसर देने के बजाय। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट एसोसिएटेड विथ फुटबॉल, फुटबॉल से कौन सा टर्म एसोसिएटेड नहीं है, पेनल्टी किक, फ्री किक, पेनल्टी स्ट्रोक या ऑफसाइड ऑफसाइड, बताओ दोस्तों कौन सा वो टर्म है इनमें से जो फुटबॉल से रिलेटेड नहीं है। क्या वो पेनल्टी किक है, क्या वो फ्री किक है, पेनल्टी स्ट्रोक है या ऑफसाइड, कौन सा टर्म है दोस्तों। और इसके साथ आपके पास रहते हैं 10 सेकंड दोस्तों, जल्दी से आंसर दे दीजिए। फटाफट आंसर दीजिए यहां की जब बजाय, मेंटी में आंसर दीजिए, फास्टेस्ट आंसर दीजिए। और 3 2 1 और टाइम्स अप, और देखते हैं इसका आंसर। देखिए मेजोरिटी इन बिल्कुल लोगों ने बिल्कुल, बोला जल्दी कीजिए, पेनल्टी स्ट्रोक। पेनल्टी जी स्ट्रोक, हाँ क्रिकेट पेनल्टी से, सॉरी फुटबॉल से रिलेटेड नहीं एसोसिएटेड है। नहीं है, पेनल्टी स्ट्रोक इससे नहीं है, और जो इसका राइट आंसर भी है पेनल्टी स्ट्रोक। ठीक है तो चलिए चलिए देखते हैं आज का हमारा विनर कौन रहा। और हमारा जो विनर है आज का वो है टॉक्सिक सरदार जी ने लास्ट में गलत आंसर दे दिया, तो मुझे लगता है निशांत नंबर 1 पे आ गए। चलिए, ओके निशांत नंबर निशांत वन पर जी है। यू आर द विनर, कॉन्ग्रेचुलेशन निशांत। और इसका फास्टेस्ट आंसर जो दिया था वो पीयूष ने दिया था, वो सेकंड नंबर पे आ गया। वेरी गुड भाई, बोलते आपने बहुत अच्छा खेला। नंबर 4 पे है, आपने जो हमें सजेशन दिया इसके ऊपर हम जरूर से नजर रखेंगे और बिल्कुल हम चेक करेंगे। हमें जरूर से चल क्या बताइएगा रहा है दोस्तों। कि आज का क्विज आपको कैसा लगा, हमें बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो इससे, जिससे कि हम लोग और क्विज लाएं। कल बिल्कुल है थर्सडे, कल आएगा जीके के जीके ऊपर का क्विज, क्विज, जीके का क्विज बहुत इंपॉर्टेंट क्विज है, जिसमें आपको कई सारे नए नए मुद्दे पता चलते हैं। प्रांजल कह रहे हैं क्लियर द मैटर ऑफ हैकिंग। हाँ प्रांजल बिल्कुल, हम इसको हम इसको इसको करेंगे, बहुत सीरियस टेंशन मत मूड ले, पे लिया है कल हम अच्छे लोग से। देखेंगे इस चीज को। ठीक है तो चलिए आज के लिए हम लोग आपसे विदा लेते हैं, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। चलो दोस्तों बाय बाय। बाय दोस्तों।